इंदौर के समीप हथौद में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में एक नाबालिग बच्ची और उसके दादा को तेज रफ्तार कार ने कुचल डाला। इस हादसे के बाद मासूम की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तारी में करके पकड़ लिया है। इंदौर शहर और आसपास के सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चालक यमराज बनकर मासूमों की जान लेने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला हथौद थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक तेज रफ्तार कार ड्राइवर चालक ने एक मासूम बच्ची और उसके दादा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद इस सड़क हादसे में मासूम बच्ची और उसके दादाजी दोनों घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया, परंतु मासूम बच्ची की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटनाक्रम का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चालक को गिरफ्तारी में लेकर कार को भी जब्त कर लिया है। कल हथौद में एक छोटी बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है, जिसमें एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर और बच्ची को टक्कर मारी है, और ये हथौद की ही घटना है, जिसमें तत्काल उनको अस्पताल भेजा गया। हथौद से फिर बच्ची को रेफ़र किया गया अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर के लिए, और बाद में उस बच्ची की डेथ हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। सीसीटीवी फुटेज भी अभी सामने आए हैं, जिसमें कार चालक बड़ी तेज़ी से बच्ची को टक्कर मारी है, और बच्ची के साथ उसके दादा नवाब खान भी थे, उनको भी मामूली चोटें आई हैं उसमें, और उनकी भी MLC कराई गई है। इसमें तत्काल केस कायम करके हथौद थाने के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, और जो दुर्घटना में कार जो थी उसको भी जब्त कर लिया गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR Times, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।